नमस्कार दोस्तों, ज्ञान संगम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह हम यह उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने जगहों पर कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि पूर्व सारी मानव जाति एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है और पीड़ित है जिसका अभी तक इलाज नहीं मिला है, पर हम सब अपनी जगहों पर रहकर इस पीड़ा के समय में भी संपूर्ण मानव जाति के लिए उपयोगी हो सकते हैं और अपनी एक सार्थक काम में भागीदारी दे सकते हैं। वह सिर्फ इतना सा है कि जैसा भी हम सब देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप पर और अन्य जैसे सोशल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पर बहुत कुछ फेक सूचनाएं हमें आती हैं और हम जाने अनजाने में उनको बिना जांचे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ऐसे में हमारी एक सार्थक भागीदारी और जिम्मेवारी बनती है कि हम यह ना करें और इसकी बजाय जो सही सूचना है उसको खुद पहले पढ़ें और फिर दूसरों के साथ साझा करें, ताकि वह सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ताकि उनकी मदद की जा सके। तो मैंने पढ़ते हुए पिछले कुछ दिनों में ऐसे सोर्सों की जानकारी प्राप्त की है जहाँ से हम यह सही सूचना को प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है और मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो पहला है कि ये वेबसाइट है, जैसा कि हम आप सब ने सुना भी होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो एक पूरे विश्व की बॉडी है और इस कोरोना महामारी के लिए एक कोऑपरेशन सेंटर है, सूचनाओं का कोऑपरेशन सेंटर। तो इसी कड़ी में हम पहली वेबसाइट देखेंगे, www.who.int। इस साइट पर आप कोरोना के बारे में सारी लेटेस्ट और सही पुख्ता जानकारी हासिल कर सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं और दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। दूसरा एक साइट है जिससे हम यह पता कर सकते हैं कि भारत के किस राज्य में कितने मरीज हैं और उस राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट में कितने मरीज हैं और फिलहाल कितने रिकवर हो चुके हैं और कितनों की डेथ हो चुकी है। तो उसके लिए हम www.covid19india.org पर जा सकते हैं, इस पर सारी जानकारी हमें पुख्ता मिलेगी। और तीसरा जो है, भारत सरकार इस बीमारी से लड़ने के लिए और उसके साथ राज्य सरकारें भी मिलकर बहुत सार्थक कोशिश कर रही हैं, और जिसमें हम सब नागरिकों का यह दायित्व बनता है कि हम उन कोशिशों में और पहलों में सहयोगी बने। तो इसके लिए आप www.mohfw.gov.in पर जा सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अलावा भारत सरकार ने कोरोना की स्टिक जानकारी के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, 011-239-78046, और इसके अलावा एक और टोल फ्री नंबर है 1075। ईमेल आईडी भी जारी की गई है जिसका मैं बता रहा हूँ, ncov2019@governmentgov.in। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसे आगे दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो भारत सरकार का व्हाट्सएप नंबर है 9013151515। तो इसके अलावा एक बात और आपसे कहनी है कि आज जैसा कि बोला गया है कि रात को 9:09 तक आपको या तो मोबाइल की लाइट या कैंडल या दिया या कुछ और भी माध्यम जैसा आपको अनुकूल लगे और आपकी परिस्थितियों में वो उपलब्ध हो, तो आपको घर के सारे उपकरण बंद नहीं करने हैं, सिर्फ लाइट बंद करनी है। तो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सही सूचना को पाकर आगे सही सूचना को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और अब हम अपनी पॉलिटी की जो सीरीज है उसका बिल्कुल ही बेसिक पार्ट स्टार्ट करेंगे और उसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, ताकि आपका एक बेस बन जाए और आगे के लिए आपका रास्ता स्मूथ हो जाए। Thank you.
आज का जो टॉपिक है इससे कुछ सीधे तौर पर तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पर यह टॉपिक ऐसा है जो आपके अगले टॉपिक्स के लिए बेस को क्लियर करेगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अर्जित कर सकें और सेलेक्ट होकर अपना एक अच्छा जीवन यापन कर सकें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हिंदी में हम बोलेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, आज सिर्फ हम इसी एक लाइन को लेकर बहुत सारे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और थोड़ा डिटेल में भी जाएंगे, ताकि आपको आने वाले टॉपिक्स को समझने में एक आसानी हो और आप अपनी जिज्ञासा को भी एक पूर्ण तृप्त कर सकें। तो सबसे पहले हम यह पढ़ते हैं कि भारत से आप क्या समझते हैं। भारत से आप क्या समझते हैं, जैसा कि हम पॉलिटिक्स सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो हम भारत को एक पॉलिटी के एंगल से ही समझेंगे। बेसिकली भारत जो है, अगर हम पॉलिटी की टर्म्स में बात करें तो भारत एक स्टेट है। स्टेट एक पॉलिटिकल टर्म है यह वह स्टेट नहीं है जो हम कि भारत में इतने स्टेट हैं, वो अलग स्टेट्स हैं और ये अलग स्टेट है। ये पॉलिटिकल टर्म है और वो जो स्टेट है वो ज्योग्राफिकल टर्म है। तो अब हम देखते हैं कि हम स्टेट से क्या समझते हैं। स्टेट एक ऐसा पॉलिटिकल एंटिटी है स्टेट एक ऐसी पॉलिटिकल एंटिटी है जिसमें ये चार चीज होती हैं। पहला सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी का मतलब है संप्रभुता, मतलब इस पर किसी और का शासन नहीं है, यह अपने आप में इंडिपेंडेंट है और अपने सब फैसले अपने हिसाब से लेता है, किसी बाहरी दबाव में कोई फैसले नहीं लेता है। स्टेट का दूसरा कंपोनेंट है गवर्नमेंट, यानी कि सरकार। इस पर हम अभी आगे और डिटेल में बात करेंगे कि वहां एक सरकार भी होनी चाहिए। और तीसरा एक कंपोनेंट है यानी कि लोग, क्योंकि सरकार जो नीतियां बनाएगी, जो फैसले लेगी, वो किसी ना किसी के लिए तो लेगी। तो किसके लिए लेती है सरकार फैसले, जैसा कि हम सबको पता है, लोगों के लिए लेती है। और स्टेट का चौथा है चौथा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लैंड, यानी कि एरिया, यानी कि भूभाग। अगर लोग हैं तो कहीं ना कहीं तो वो रहते ही होंगे, तो लोग कहाँ रहेंगे, किसी जमीन पे रहेंगे, किसी भूभाग पे रहेंगे। तो इस तरह हमने स्टेट को समझा। अब हम भारत में देखते हैं सॉवरेनिटी है, क्योंकि भारत एक इंडिपेंडेंट है, इस पर किसी दूसरे देश का कोई शासन नहीं चलता। यहाँ एक गवर्नमेंट भी है, यहाँ लोग भी हैं और इसका एक एरिया भी है, तो इसलिए भारत एक पॉलिटी की टर्म में एक स्टेट है। इसके बाद हम एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम नेशन के नाम से जानते हैं। जैसे भारत स्टेट है, वैसे ही पाकिस्तान स्टेट है, बांग्लादेश स्टेट है, यूएसए स्टेट है, ये सब स्टेट हैं। और एक कंसेप्ट आता है नेशन।
तो इसके बाद एक कंसेप्ट आता है नेशन, यानी कि राष्ट्र। आपने समाचारों में और काफी जगह सुना भी होगा, भारत राष्ट्र एक ऐसी करके टर्म आती है, भारत राष्ट्र। एक और टर्म भी आजकल काफी यूज हो रही है, जो काफी कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, पर मैं इसे सिर्फ समझाने के उद्देश्य से ही यहाँ लिख रहा हूं, अखंड राष्ट्र। एक यह स्टेटमेंट भी आपने आजकल सुनी होगी, अखंड राष्ट्र। तो आज हम देखेंगे कि राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र को आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, एक व्यावहारिक भाषा में। खासकर राष्ट्र को आप एक ऐसी फीलिंग ऑफ अटैचमेंट बोल सकते हैं, और वो किस आधार पर, एक कॉमन पिलर के आधार पर एक वो फीलिंग ऑफ अटैचमेंट खड़ी होती है। तो उसके मूल में क्या होता है, जो फीलिंग, ए यूनिट यूनिटी की जो फीलिंग है, वननेस की जो फीलिंग है, उसके मूल में या तो लैंग्वेज हो सकती है, या धर्म हो सकता है, या कल्चर हो सकता है। तो इस प्रकार हम जब बोलते हैं कि राष्ट्र, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन सबको मिलाकर एक राष्ट्र बनता है। राष्ट्र में कोई बाउंड्री नहीं है, ये बड़ा विस्तृत एरिया होता है, और स्टेट से बड़ी चीज है। और राष्ट्र का कंसेप्ट सबसे पहले यूरोप में आया था, जर्मनी और इटली में खासकर। तो राष्ट्र एक फीलिंग ऑफ वननेस है, जो विभिन्न पिलर्स पे आधारित होती है, जैसे धर्म पे, रिलीजन पे, लैंग्वेज पे। पर कई बार आजकल हम भारत में देखते हैं तो काफी अलग अलग प्रकार के धर्म, अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं। तो भारत के लिए इस प्रकार एक स्पेशल टर्म यूज होती है, नेशन इन मेकिंग। तो इस प्रकार आज हमने स्टेट को समझा और नेशन को समझा। एक तीसरा कंसेप्ट और इसी कड़ी में आता है, नेशन स्टेट यानी राष्ट्र राज्य। जैसा कि हमने पहले देखा कि राष्ट्र जो था उसमें कोई भी सरकार नहीं थी, और स्टेट में एक सरकार थी, जैसा कि हमने पहले देखा। अब इन दोनों को मिलाकर राष्ट्र राज्य बना दिया जाता है। ये जो वननेस, जिन लोगों में वननेस की फीलिंग थी विभिन्न पिलर्स के आधार पर, उन्होंने अब तय कर लिया है कि उनकी एक सरकार होगी। तो ऐसा उसको हम नेशन स्टेट कहते हैं। अब इसके बाद हम भारत को समझ चुके हैं, स्टेट को समझ चुके हैं, नेशन को समझ चुके हैं, स्टेट और नेशन स्टेट को समझ चुके हैं। अब इसके बाद आता है कि पॉलिटी क्या होती है। अब हम इस पॉलिटी को समझेंगे। तो अगर पॉलिटी को बिल्कुल व्यवहारिक अर्थों में बात करें, तो राज व्यवस्था यानी शासन की प्रणाली कैसी है, उसे हम पॉलिटी कहते हैं। तो आप पॉलिटी को सिंपल टर्म्स में यह बोल सकते हैं कि पॉलिटी एक ऐसी एंटिटी है या ऑर्गेनाइजेशन है, जहां डिसीजंस लिए जाते हैं, जहां रूल बनाए जाते हैं, और उनको लोगों पर अथॉरिटी के साथ लागू किया जाता है। अब हम भारत की इस पॉलिटी टर्म को भारत के सेंस में समझेंगे। पॉलिटी के मेन कंपोनेंट भारत में क्या है, अब देखिए। पहला कंपोनेंट है नेचर ऑफ गवर्नमेंट, और सेकंड कंपोनेंट है फॉर्म
form of government. Third component है source of government. और फोर्थ कंपोनेंट है पॉलिटी का टाइप ऑफ रूल. अब इसको जैसे मैं आपको पॉलिटी को समझाऊंगा कि ये क्या होती है और ये सब टर्म्स क्या है, तो आपके काफी कंसेप्ट क्लियर होंगे और बेस भी आपका काफी मजबूत होगा. सबसे पहले नेचर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट कैसी है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का प्रकार कैसा है, सोर्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट की जो ताकत है उसका आधार क्या है, टाइप ऑफ रूल यानी कि शासन किस प्रकार का है. नेचर ऑफ गवर्नमेंट में अगर हम भारत में बात करें तो खासकर भारत में डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी इसी तरह थियोक्रेसी भी होती है जो ईरान में है, और इसी तरह ऑटोक्रेसी भी होती है, इसी तरह मोनार्की भी होती है. मोनार्की आपको मिडल ईस्ट के कई देशों में मिलेगी देखने को, जैसे सऊदी अरेबिया, जॉर्डन आदि में. तो आप समझ गए होंगे कि नेचर ऑफ गवर्नमेंट में जो विस्तृत रूप में किस प्रकार की सरकार है उसको हम समझते हैं. इसके बाद हम इनको समझने के बाद डेमोक्रेसी पे बात करेंगे भारत के संदर्भ में. इसके बाद फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है कि गवर्नमेंट किस प्रकार की है. इसमें बेसिकली हम दो चीजों पर बात करेंगे, या तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो भारत में है, और इसके बाद हम इसी में दूसरा बात करेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो अमेरिका में है. इसके बाद आता है सोर्स ऑफ गवर्नमेंट कि ये गवर्नमेंट में जो अथॉरिटी है वो कहाँ से ड्राइव करती है. इसमें आप बोल सकते हैं भारत में कॉन्स्टिट्यूशन से, और अल्टीमेटली लोगों में ही अल्टीमेटली गवर्नमेंट का सो पावर का सोर्स है. और इसके अलावा रिलीजन में भी कई बार ये हमें देखने को मिलता है, जिसमें ईरान है. इसके बाद टाइप ऑफ रूल कि कैसा शासन है. एक होता है यूनिटरी शासन, मतलब उसमें एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होती है. एक होता है फेडरल शासन, जैसे कनाडा में है कि ऊपर एक केंद्र सरकार है और नीचे राज्य सरकार होते हैं. भारत में इन दोनों का मिक्स है. जैसे जैसे हम आगे इस सब्जेक्ट में बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कहाँ कैसे भारत में यूनिटरी गवर्नमेंट है और कैसे फेडरल है और कैसे इनका मिक्स है. अब हम कुछ डेमोक्रेसी पे बात करेंगे. डेमोक्रेसी यानी कि जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रजातंत्र, तो प्रजातंत्र का मतलब सिंपल भाषा में होता है डेमोक्रेसी का हिंदी का अनुवाद होता है प्रजातंत्र, और प्रजातंत्र का मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है और लोगों के लिए ही काम करती है, और अल्टीमेटली सरकार की ताकत लोगों में ही होती है, इसलिए उसे हम डेमोक्रेसी समझते हैं. तो डेमोक्रेसी के बेसिकली दो पार्ट होते हैं देखने में जितना वर्ल्ड में आ रही है. एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण इसे आप याद कर लीजिए, स्विट्जरलैंड है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यह होता है कि लोगों को कोई कानून चाहिए तो सीधा वो एक रेफरेंडम टाइप करवाते हैं, और अगर नहीं चाहिए तो भी रेफरेंडम, मतलब सीधा पार्टिसिपेट करते हैं. और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि उनके बिहाफ पे कानून बनाते हैं. तो इनडायरेक्ट भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है. तो अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी और
प्रेसिडेंट की डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंट डेमोक्रेसी पर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आपने हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही ज्ञान संगम चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देखने के लिए।